हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं और भरपूर क्वेश्चन होंगे यार। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 50, 60, 70 के करीब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, कहीं कहीं टाइप होंगे। और देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे बच्चों के लिए। वेंटो फैक्टर एक डरावनी चीज़ है, वेंटो फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सॉल्यूशन का वन शॉट और सॉल्यूशन के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बहुत फील आप लोगों को आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिनका मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि वो मैथमेटिकल वाले टर्म जो हो जाएगी ना, ऑब्वियसली वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा तो वो मैं आप पे छोड़ जाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलैरिटी, फिर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलैरिटी, फिर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलैरिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन। ये कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए मोलैरिटी को। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं मोलैरिटी लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब समझने वाली बात यह है कि जो यूनिट होती है, यूनिट क्या हो जाती है मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या होंगी इसकी? मोल्स पर लीटर। और बेटा जी इसका एक ना न्यूमेरिकल्स के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला। वॉशिंग नहीं सकता है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोग मिलीलीटर में लेने वाले हो। और याद रखिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम का यूज हो रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी जो है घट जाएगी। याद रखिए मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइंड किस तरह से करोगे? डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अगर मैं मोलैरिटी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर मैं यहां से इसकी यूनिट कैलकुलेट करना चाहूं, यूनिट देखिए अगर आपको वैसे याद नहीं रहती है तो मोलैरिटी की यूनिट आप लोग मोलर लिख सकते हो या फिर यहां से क्या हो जाएगी? मोल्स पर केजी। आगे आ जाओ भाई, मोल्स पर केजी। इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहां से? वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है ना। और इट इज क्योंकि देखिए ऊपर भी मास है नीचे भी मास है और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो याद रखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा यहाँ पर मैंने दो बातें बोली हैं, ये टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ, लेक्चर के लिंक्स मिल जाते हैं। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि सर हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करें, श्योरली मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूँ, या मैसेज करूँ, रिप्लाई करूँ कि हाँ यार कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक कंपोनेंट के मोल्स बाय में सॉल्यूशन के मोल्स इज मोल फ्रैक्शन, इसको हम छी ये काई बोलते हैं। अगर आपको काई ए निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जिसके मोल्स मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर, बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू वन होता है पर नंबर वन। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या कह लीजिए यूनिटलेस क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर टू, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर का भी कोई फर्क इस पे पड़ता नहीं है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये डेफिनेशन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मीन्स होता है मास बाय मास, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मोलैरिटी ऑफ 9.8%, 9.8% को समझ लीजिए, 9.8% मीन्स 9.8 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्लियर है। अब सिंस आपको मोलैरिटी निकालनी है तो सॉल्यूशन आपका, आपको मास नहीं चाहिए, आपको ग्राम्स में नहीं चाहिए, उसको आपको वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, है ना। मास कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है सॉल्यूशन का 100, और डेंसिटी कितनी है 1.02, तो ये इसकी वॉल्यूम आ गया है। इसके बाद आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन, विमला, वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 9.8, H2SO4 का मोलर मास 98 इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना है भाई 100, और ये 1.02 पर चला जाएगा। इसका डेसिमल हटा दो अपॉन में 10 आ जाएगा, 98 से 98, 1000 से 1000, और ये कितना बच गया 1.02। अब ये मैं सोचना, सर आपने तो बोला था कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूँगा, ये इजी है, मुझसे सॉल्व हो रहा है तो वो तो मैं कर दूंगा, जो मुझसे नहीं होंगे वो मैं तुम पे टाल दूंगा कि भाई कर देना। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ कैन वी चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू। ये रहा भैया आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस। सबसे पहले तो डेफिनेशन पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हैं, मोलैलिटी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हैं, है ना। तो यहाँ से मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय बाय में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना।
यूनिट क्या बन जाएंगी, अभी की है मोल्स पर लीटर, इसकी हो जाएंगी मोल्स पर केजी। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है भाया। और अगली बात अगर मैं करता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी। अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे? मोदी इज एमडी इज 1+ ममता बनर्जी या ममता बनर्जी इन किलोग्राम, ऐसे लिख लेना। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी गिवन है, ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी डेंसिटी 1+ MmB। इस तरह के ना, मतलब पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि फॉर्मूलाज को ना एक जगह लिख लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल बोर्ड्स में बहुत इजी आते हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर है ना, न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो एक पेज पे सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लेना, कोशिश करूँगा मैं भी प्रोवाइड कर दूँ, बट आप लोग खुद से भी करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन, ओके इसको ऊपर भेज देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो सबसे पहली बात है 10% बाय मास, 10% बाय मास, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, है ना। ऐसा एनसीईआरटी का भी है भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर हो रहे हैं। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, है ना। सर आपको कैसे पता चला? भैया जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट तो अपने पास कितने ग्राम बच जाएगा, वो तो हमारे पास 90 ग्राम बचेगा। तो सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना देखा, 10। मोलर मास ऑफ सोल्यूट देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ब्रो C6H12O6, कार्बन 6 और ये 12, 72+12+96। मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ, ये सीधा 180 आएगा, इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सोलेंट कितना दे रखा आपको, 90। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या निकाल लोगे, मोलैलिटी। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, है ना। अब मास देखो कितना दे रखा आपको, इसका मास आपको दे रखा है ब्रो, सोल्यूशन की बात की जा रही है, उधर सोलवेंट होता है, मोलैलिटी में सोलवेंट होता है, तो मास कितना है, 100 है, और डेंसिटी कितनी है, 1.2 है। इसके बाद फॉर्मूला लगा दो मोलैलिटी वाला, क्या होता है फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है आपको, 10। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 180 इंटू में 1000। वॉशिंगटन से नहीं, वॉशिंग मशीन एक दर में देगी विमला, मोलैरिटी के लिए विमला है ना, तो ये 100 और इंटू में 1.02। तो भाई साहब ये डेसिमल हटाओ, अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये 10,000 से 10,000 कैंसिल, है ना, ये किस पे जाएगा, थर्टी 6 3 18 और ये 17, तो यहाँ से 17/30 सिंपल आउट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एन अननोन गैस एक्स इज डिजोल्व इन वाटर एट 2.5 बार प्रेशर एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड एट द सेम टेम्परेचर इज, एक अननोन गैस है, आपने उसको डिजोल्व किया वाटर के अंदर और 2.5 बार प्रेशर
एंड हैज मोल फ्रैक्शन कितना है 0.04। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, आपको प्रेशर कितना दिया गया है 2.5 बार है ना, और मोल फ्रैक्शन कितनी दी गई है एक्स, एक्स आपको दी गई है 0.04। तो यहाँ से पी का फॉर्मूला लगा देंगे है ना, हेनरी लॉ, पी इक्वल टू क्या होता है के एच एक्स। तो यहाँ से के एच हेनरीज कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे, ऐसी टर्म्स में ना हम हमेशा कॉन्स्टेंट को निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2.45 by 0.04। इसको रखते हैं ऐसे। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रेशर आपने डबल कर दिया, डबल कर दिया यानी कि 5 बार हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है, हेनरी कॉन्स्टेंट इन्होंने बता ही दिया कितना, कैलकुलेट कर लिया हमने 2.5 by 0.04। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एच एक्स, के एच इज 2.5 by 0.04 और x कितना हो जाएगा, x तो हमें निकालना है, प्रेशर कितना दे रखा है 5। तो ये 5 × 0.04 / 2.5, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 चला जाएगा, ये कैंसिल, 5 × 5 = 25 है ना, और ये 2 by 25। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 0.08 जब इसको सिंपल आउट करोगे, तो आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। देखो यार ये रीजनिंग से के क्वेश्चन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से कम बनते हैं, बट हाँ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बनेंगे ही नहीं, इनको भी थोड़ा देख लिया करो। ये तो सिंपल पढ़ने वाली बातें होती हैं कि भाई जो जलीय जीव होते हैं वो ठंडे पानी में ही कंफर्टेबल क्यों होते हैं, यहाँ पे मैं बुकिश लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा। देखिए क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वॉटर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाती है, क्यों घट जाती है, क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने से नॉन फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीद एज ऑक्सीजन इज लेस, और इसी वजह से जो जलीय जीव होते हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ए इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर देन गैस बी। गैस ए ज्यादा सोल्यूबल है गैस बी में, विच वन ऑफ टू गैसेज विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच एंड वाई। देखिए के एच के बारे में बता देता हूँ, के एच की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सोल्युबिलिटी है ना। तो अगर ए गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ऑफ के एच कम होगी, गैस ए ज्यादा सोल्यूबल है इट मीन्स इसकी के एच की वैल्यू कम है, गैस बी कम सोल्यूबल है तो इसकी के एच की वैल्यू ज्यादा है, यही लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्टेट हेनरी लॉ, व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर। हेनरी लॉ क्या था, देखिए हेनरी लॉ की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन करूं तो उन्होंने बोला था कि देखिए अगर कोई लिक्विड है और उसमें आप किसी गैस को डिजोल्व कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पर प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो गैस घुलेगी, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा ये गैस घुलती चल जाएगी, पी या मास ऑफ डिजोल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। फिर इसके बाद डाल्टन जी आई, इसने इसको मॉडिफाई किया, उन्होंने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही डेफिनेशन आजकल चल रही है, पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा के एच एक्स। बुक में चलते हैं क्या कह रहा है भाई, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी इज इक्वल टू के एच एक्स, वेयर कैच इज हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में बता चुका हूँ। अब अगली बात है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना जो जल में अंदर जाते हैं, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस क्यों डिजोल्व कराई जाती है, जब वो जल में जाते हैं ना तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में अगर ऊपर से हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो ज्यादा घुलेगी, तो ज्यादा गैस का इनहेल हो जाता है, फिर जब वो स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं ना तो बहुत ज्यादा गैस का एक्सेलोर होता है, तो यहाँ पे ना
बैंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बैंड जो है बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं एक स्कूबा डाइवर के लिए, इससे उसकी डेथ हो सकती है। तो हमें एक ऐसी गैस खोजनी पड़ती है जो कम घुले, जिसकी सोलिबिलिटी बहुत कम हो, सो दैट कि उसका इनहेल कम हो और बाद में एक्सहेल भी कम हो। इसीलिए हम लोग हीलियम गैस को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो सोलिबिलिटी होती है वो कम होती है। देखिए क्या लिखा गया है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीकंप्रेशन सिकनेस इन डीप सी डाइवर्स, भाई बैंड से लिख लेना, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, स्टेट हैंडल लो, स्टेट कर दोगे, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, के एच एक्स, यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हो के एच एक्स की जगह लिख लो सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई के एच इज सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी को इधर रख लो, पी प्रेशर कितना दे रखा आपको 760 और कैच की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। चाहूँगा कि आप लोग आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल, समझ रहे हो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब जब एक ही जैसा क्वेश्चन कई बार रिपीट होने लगेगा ना, मतलब इट मीन्स ये है कि बोर्ड वाले ना उस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, बोर्ड वालों का दिल आ गया इस क्वेश्चन पे। वही है कि भाई एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, सो एक्वेटिक स्पीसीज फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एट हाइयर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। देखिए जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, उनमें एक बड़ी फेमस बीमारी हो जाती है, कौन सी, एनोक्सिया। एनोक्सिया मीन्स होता है लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, नीचे जाते हैं समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, दैट्स व्हाई गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है। बट जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो यही बात लिखी भी हुई है, एट हाइयर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल, एज ए रिजल्ट देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, दस दे फील वीक एंड आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। अगला है, स्टेट हैनरी लॉ, कई बार स्टेट कर दिया, मैंशन इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ सकता है। हैनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगली बात इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो कई सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए ये क्या बात करता है कि एक गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, हम कितना प्रेशर लगाते हैं। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीकंप्रेशन सिकनेस, इसमें बैंड्स लिख लेना, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बैंड्स, ज्यादा सिंपल रहेगा, इन डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस, ठीक है। उसके बाद है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar, ओके। इफ द सोल्यूशन कंटेन 5 × 10⁻⁻²⁻²⁻⁻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 
पहले डाटा से आप कैच की वैल्यू निकाल लोगे, अगले केस में उस कैच को पुट करने वाले हो। ये अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था, ये हमने किया था वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यही यहाँ पर भी किया गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाला नहीं, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाया गया है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू जो पुराना फॉर्मूला है, एम इज प्रोपोर्शनल टू पी, एम इज इक्वल टू क्या, के एच पी। ठीक है, मास ऑफ गैस कितना दिया गया है उस टाइम, 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस टू, तो ये के एच आ जाएगा क्योंकि प्रेशर तो वन बार है। अगले केस में आ जाओ, है ना, केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10 की पावर माइनस टू, एम इज इक्वल टू, ओके एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एच पी, एम कितना है, मास इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस टू, तो के एच यहाँ से पी आ जाएगा और के एच अपॉन में आएगा, के एच कितना है कैलकुलेट किया, 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस टू, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर बेटा जी थोड़ा सा टाइम लगा लेना, इतना टाइम लगेगा नहीं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है? इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी आर 140 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल समझो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब वो लेट वेपर बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो थोड़ा जल्दी वेपर बना लेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली वेपर बनाएगा, और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? ए का, तो लिक्विड ए। क्लियर है, लिखा भी गया है। द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट एंड हैज हायर वेपर प्रेशर, हेंस लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर। उसके बाद है डिफाइन राउल्ट्स लॉ। भाई गारंटीड मैं बोल रहा हूँ, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, राउल्ट्स लॉ बहुत बड़ा है। राउल्ट्स लॉ, फिर उसकी राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसकी पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर एजियोट्रोप्स। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, इन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। बस फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा उन वर्ड्स को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो P इज प्रोपोर्शनल टू x, और इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट x, वेयर P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको दो डिफरेंस पढ़ने, आपको बहुत सारे डिफरेंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैं लिखवा भी देता हूं इधर, इंपॉर्टेंट लगता है तो कर लेते हैं, है ना। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। आइडियल किसे कहते हैं भाई, विच ओबे राउल्ट्स लॉ, विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, है ना। और ये विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अगर कोई राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है तो पी ए किसके को लो जाएगा, पी ए इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी किसके को लो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये तो फॉलो नहीं करता, तो पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इंटरेक्शन ऑफ ए बी, सोल्यूट सोलवेंट की जो इंटरेक्शन होती है इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए ए एंड बी बी। ए बी की जो इंटरेक्शन है, सोल्यूट सोलवेंट की जो इंटरेक्शन है, वो सेम होती है जैसे ए ए की इंटरेक्शन होती है बी बी की। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा भाई, इज नॉट सेम एज, इधर सेम नहीं है। अब क्योंकि इधर इंटरेक्शन बिल्कुल सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, वन शॉट में सब कुछ अच्छे से कराया है तभी मैं बोलता हूँ कि कई लेयर्ड रिवीजन हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, तो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, इधर डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, और इधर डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जब भी आपको देखने को मिलेगा वो लगभग सेम कंपोनेंट है, जैसे क्लोरोइथेन। ओके बहुत गंदा हो गया यार ये तो, ये क्या कर दिया मैंने, बहुत बुरा हुआ। क्या कह रहे थे मैं, क्या होगा भाई, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टोलविन, जिसमें सिर्फ कार्बन्स का डिफरेंस हो, हल्का फुल्का डिफरेंस हो, वहां पर आपको प्रॉपरली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है, वट इज मीन्ट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जाम्पल, वट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्स फॉर पॉजिटिव डेविएशन, वट इज मीन्ट बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जाम्पल, वट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्स फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पर अच्छा, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं ग्राफ बना देता हूं, कुछ इस तरह से ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन, यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पर मैं वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो ये पीक पॉइंट है ए का पी नोट ए, ये पीक पॉइंट है बी का पी नोट बी। ठीक है, ये इसका इलाका है और अपने इलाके में सारे शेयर होते हैं, तो जैसे जैसे दूसरे इलाके में जाएगा इसका वेपर प्रेशर कम होता चलेगा। ये बी का इलाका है और जैसे जैसे इस इलाके में आएगा इसकी वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, और जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो बन जाए ओके, बहुत शानदार। ठीक है, ये हो जाएगा पी टी, टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज पी ए प्लस पी बी, और ये पी ए क्या हो जाता है, पी ए इज पी नोट ए इंटू एक्स ए, और ये पी बी है, पी बी क्या हो जाता है, पी बी इज पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें क्या होगा, अगर हम, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जिसका वेपर प्रेशर पॉजिटिवली डेविएट कर जाता है, जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिवली डेविएट हो जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ नेगेटिवली डेविएट हो जाएगा। तो चलो अब पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की तरफ आते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। मैंने इसको सिंपली याद कर रखा है PWNS, फिजिक्स वाला, नाइस सर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीकर होगी, इंट्रैक्शन ऑफ ए बी इज वीकर देन इंट्रैक्शन ऑफ ए ए एंड बी बी, है ना। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होने वाली है, और इधर क्या होगा, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, वीकर नहीं होगी, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी स्ट्रोंगर होने वाली है देन ए ए एंड बी बी। क्लियर है। अब अगली बात है, बाकी सब कुछ इसमें पॉजिटिव रहता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पी नोट ए इंटू एक्स से। वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो ज़्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। और अगर मैं इधर बात करूँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो कम होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो उतनी ईजिली वेपर बनेंगे नहीं, उतनी ईजिली वेपर बनेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर अगर मैं पी बी की बात करता हूँ, पी बी क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी। आगे बढ़ो, डेल्टा बी मिक्स, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या कह दीजिए मोर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्स, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। और इधर अगर मैं बात करता हूँ, डेल्टा वी मिक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आएगा, और चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, वो भी नेगेटिव आ जाने वाला है। ठीक है, अगली बात की तरफ चलो यार, क्या होगा। हाँ, एक बात मैं बताता चलूँ कि पॉजिटिव डेविएशन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स,
और ये क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डेविएशन है, एग्जांपल की बात करें तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो आप ऐसे एग्जांपल देखो जहां पर पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और फिर वो बॉन्ड टूट गया है। तो इसका बड़ा फेमस एग्जांपल रहेगा अल्कोहल प्लस एसीटोन वाला, जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन हो गया, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। एक एग्जांपल बहुत स्ट्रॉन्ग याद रखो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर आप क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को लेकर चलते, क्लोरोफॉर्म इज CsCl3, CH और इधर Cl कितने लगे हुए हैं, 3, और एसीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर CH3 CH3। तो आप नोटिस करोगे कि इनके बीच में क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये नेगेटिवली डेविएट हो जाएंगी। अच्छा, ये देख लो, नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो लोअर की तरफ जाने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। पहली बात तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। सबसे पहली बात, एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम लोग किसे कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नाम से ही सारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है शायद, दोज मिक्सचर्स विच हैव कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या दोज लिक्विड मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन देयर लिक्विड फेस एज वेल एज इन देयर वेपर फेस। क्लियर है। अगला है, डिफाइन एजियोट्रोप्स, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन बाय नेगेटिव डेविएशन, गिव एग्जांपल। तो इनको करना है तो बातें वही हैं। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास है एसीटोन, ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, ठीक है, और इस वजह से ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। अगला है, एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं, एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यही बात लिखी थी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इधर इथेनॉल प्लस वाटर है, इधर बॉन्ड टूटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। चलिए बहुत शानदार, ये है थ्योरेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, आई होप कि सब कुछ विजिबल होगा। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, केएफ फॉर वाटर इज। अब देखिए मैं आपको वे बता देता हूं, अगेन मैं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि इधर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा आपको कितना, 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है कितना, 180 ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर मैं बात करता हूँ, 250 ग्राम है ना। एंड केएफ आपको गिवन होगा, और अगर आपने एमसीक्यूज की क्लास लगाई तो एमसीक्यूज की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो केएफ होता है, केएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और केएफ को मैं बताता हूँ, इसे बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, बट इसका एक और नाम होता है, कमेंट सेक्शन में बताना वो नाम क्या होता है। अच्छा, तो ये जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है या फिर ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है दैट इज केबी, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अच्छा, ये केल्विन केजी पर मोल है। तो इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें डेल्टा टीएफ निकालना रहेगा, डेल्टा टीएफ का सिंपल फॉर्मूला केएफ एम क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी बेटा जी, वॉशिंगटन से। केएफ कितना है, 1.86 है ना,
और वॉशिंग मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट इज 60, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 दे रखा है, इंटू में 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250। इसको सिंपल आउट करना है, सिंपल आउट किया जा सकता है, ये 4 पे चला जाएगा शायद, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 6 3 18, इसका पॉइंट हटा दो, ये 100 आएगा, और ये 3 6 18, ये 2 25 फॉर द 100, ठीक है, और ये 62 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 6 6 24, 248 बाय में 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 2.48। याद रहे ये डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टीएफ कितना आया है 2.48 केल्विन है ना। इसके बाद आप लोग डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ होता है टी नोट एफ माइनस टीएफ, तो टीएफ को इधर ले आओ, ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, टी नोट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखूं तो 273.15 माइनस 2.48 आंसर आ जाएगा यार। अगला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। देखिए बहुत सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है, उनके मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, देखो यार अगर मैं बात कर लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, अब पॉलीमर्स को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड बिकॉज मोलैरिटी इज यूज इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी एंड इट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है, बहुत कम नहीं होती है, मतलब बहुत, ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी डिफाइन कर लेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, देन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटोनिक सोल्यूशन, जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, लिखा भी गया है, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ये इस तरह भी आ सकते हैं, डिफाइन मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, तो मोलल एलिवेशन है ना, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एम, है ना, के बी को इधर रख लो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बाय, गलत लिख रहा हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी एम, मोलैलिटी को वन कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यही है भाया, यही है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी, और मोलैलिटी यूनिट कम हो सकती है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वन हो जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना हो जाए, वन हो जाए, इस तरह से, और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन पर मोलल, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, केल्विन केजी पर मोल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़ी सी थ्योरी भी ना कर लेना, ज़्यादा नहीं है थ्योरी, थ्योरी ना रिलेट कर पाते हो आप, आपको मतलब समझ में आता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन इट। एक सॉल्वेंट है, जैसे मान के चलो ये पानी है, इसका कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, अगर मैं इसमें नमक मिला दूं तो इसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। याद रखिए अगर कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, आपने एक सेटअप देखा होगा, जैसे कि एक सेटअप होता है,
ठीक है, इधर हमने लगा दिया SPM, इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर आपने ले लिया, मान के चलो कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, वाटर प्लस सॉल्ट, इधर आपका सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर है, ठीक है। तो फ्लो क्या होगा, लो टू हायर होगा, ओस्मोसिस में लो टू हायर होता है, OLX करके याद कर लो, OLX नहीं OLH, ओस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो लोअर टू हायर रहता है। इस फ्लो को रोकने के लिए मैं इधर प्रेशर लगा दूंगा, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, गेटिंग माई पॉइंट ऑन? लो कंसेंट्रेशन पार्टिकल हाई की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखा गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन जस्ट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सोलवेंट इन टू द सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है भाई, फेमस है, सारी क्वेश्चन फेमस है अगर हमने यूज किया तो। स्टेट द कंडीशन रिजल्टिंग इन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब आप मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है, अगर आप उससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो दूसरी साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज 2 मोलर ग्लूकोज विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और 1 मोलर से ज्यादा पार्टिकल ऑब्वियसली 2 मोलर में रहेंगे, वैल्यू बढ़ेगी। अगला है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन की साइड तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, है ना। अगला है, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो आइसोटोनिक है, मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के। व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? हमारी जो ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक है, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो आइसोटोनिक है विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और 1.2% सॉल्यूशन में जब आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसका 1.2% वाले का, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। और देखिए समझो, ये हमारी ब्लड सेल है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.9%, हमने इसको एक कंटेनर में रखा जो है 1.2%, तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और फ्लो हमेशा होता है लो टू हायर, लो टू हायर रहेगा तो हमारी जो ब्लड सेल्स है वो श्रिंक कर जाएंगी। लिखा गया है 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दस ऑन प्लेसिंग ब्लड सेल इन दिस सॉल्यूशन एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस। एक्सोस्मोसिस का मतलब होता है बाहर निकल जाना, ठीक है ना, रिजल्ट इन श्रिंकिंग ऑफ सेल्स, वो श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएंगे। अगला है 0.4%, बहुत गंदा, 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब 0.9% से तो कम ही है, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक, ठीक है ना। जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तो 0.9% है, आपने उसको रख दिया बाहर वाले में जो कि 0.54% है, तो फ्लो तो लो टू हाई रहता है, अब इस साइड से फ्लो होगा, अब अंदर की तरफ जाने लगेगा तो एंडोस्मोसिस होगा, और हमारी जो ब्लड सेल्स है वो क्या कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, है ना। ऑन प्लेसिंग ब्लड सेल्स इन दिस सॉल्यूशन एंडोस्मोसिस टेक प्लेस दैट रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ सेल्स। अगला क्वेश्चन है, Why does a solution containing non-volatile solute have higher boiling point than the pure solvent? Why is elevation of boiling point is a colligative property? ये पूछा जा सकता है यार। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि non-volatile solute ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और colligative property क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल उस पर डिपेंड करता है, elevation of boiling point, that's why। चलो बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सोल्यूट। ये बात हमने पीछे भी लिखी है कि अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है
आपने सॉल्यूशन में डाल सॉल्वेंट में डाल के इसको सॉल्यूशन बना दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सर वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना। एक साफ पानी है एक बर्तन में, एक बर्तन में हमने नमक वाला पानी लिया, गर्म किसको ज्यादा करना पड़ेगा? नमक वाले पानी को। एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है कम है और वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसी वजह से वो जो सोल्यूशन है वो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको। चलिए न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड हुज मोलर मास इज 256 ग्राम। आपको मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, यानी कि आपको डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है। मोलर मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 256। एंड इधर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 75 ग्राम। और लोअरेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है आपको? 0.48। एंड के एफ कितना दे रखा है आपको? के एफ इज 5.12। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज के एफ एम, है ना? और के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ, है ना? वॉशिंग को इधर रख लो, डब्ल्यू बी को इधर रख लो आप लोग, डब्ल्यू बी को इधर रख लिया, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी। अगले पेज पे लिख देता हूँ यार, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है? के एफ एम, और एम क्या है? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वॉशिंगटन से। ये के एफ है और ये डेल्टा टी एफ। तो आपने डब्ल्यू बी निकालना है ना, डब्ल्यू बी को इधर रख लो, बाकी सारा डाटा इधर ले जाओ। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ इंटू में 1000। अब सारा डाटा, सारे का सारा डाटा पुट कर लो भाई। तो क्या क्या डाटा दे रखा है यहां से सारा डाटा पुट कर लेंगे। तो डब्ल्यू बी को दे रखे सारा डाटा, जब आप पुट करोगे तो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा आपको? डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.48। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको? 256। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 75। बाय के एफ कितना है? के एफ है भाई 5.12, और यहाँ पर तो 1000 आ जाएगा। और इस तरह से आप डब्ल्यू पी निकाल सकते हो कि नहीं? इसका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 256 2 5 1 2, है ना? 25 3 75, 25 ये 40 पे चला जाएगा, ये 4 10 40, ये 12 पे चला जाएगा, ये 2 6 12, 6 3 18, 18 by 10 दैट इज 1.8 ग्राम, ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना? वे समझ लो, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज याद कर लो, तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 हुज मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है भाई? आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 18 ग्राम, हुज मोलर मास कितना है? 180 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया आपको? 1 के जी यानी 1000 ग्राम दे दिया। अरे जा यार मच्छर, ठीक है ना? एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉइल? के भी आपको दे रखा है भाई, के भी आपको दिया हुआ है भाया 0.52। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको कैलविन में करोगे 373 या फिर वेरी प्रिसाइज अगर आपको होना है तो 373.15। तो यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल लोगे, डेल्टा टी बी इज के बी एम, है ना? के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से। के बी कितना दे रखा है? के बी दे रखा है 0.52, है ना?
और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट इज 18, मोलर मास इज 180 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 1000 ही है वो भी, है ना। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये आएगा 100, ये 10, ये 0.52 बाय 1000 कितना हो जाएगा, 0.052 है ना, 0.052 हो जाएगा। अब इसको पुट करना है भाई, है ना। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा, तो पुट कर दे वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, जब लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल मूव करते हैं टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग लगाते हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, आप कैसे प्रूव करोगे, आपको पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, वेयर सी इज मोलैरिटी, इसको एन बाई वी इंटू आर इंटू टी लिख दोगे, और ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, सिंस ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है तो आप लोग बोल सकते हो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। अगला है, लिस्ट एनी फोर फैक्टर्स ऑन विच द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, एसोसिएशन डिसोसिएशन पे बिल्कुल पड़ता है भाई, है ना, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यूज बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, है ना, मतलब फर्क पड़ता है। अगला है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। आपको पता है किसको हम किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं, आउटर हार्ड शेल्स ऑफ टू एग्स आर रिमूव्ड, वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर एंड द अदर इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई। इजी सा क्वेश्चन है कि भाई ना, हमने क्या किया, अंडों को डाल दिया पानी में, एक सिंपल पानी है एक नमक वाला पानी है, तो एक सिंपल मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल पानी में, इसका ना मैंने बल्कि शॉर्ट भी बना रखा है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक्सोसमोसिस एंडोसमोसिस का कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम अंडे को नमक वाले पानी में डालेंगे, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका पानी बाहर निकल जाएगा अंडे का और वो श्रिंक कर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। ये आपके पास है एग, आपने इसको डाल दिया नमक वाले पानी में, NaCl सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, फ्लो लो टू हाइयर रहता है, इसकी कंसेंट्रेशन बाहर वाले की ज्यादा है, लो से हाइयर फ्लो होगा, तो ये अंडा जो है श्रिंक कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसी अंडे को पानी में डालोगे नॉर्मल में, तो क्या हो जाएगा, लो टू हाइयर, पानी अंदर की तरफ जाएगा और ये स्वेल कर जाएगा। द एग प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल स्वेल बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इज हाई इन साइड द एग एज कम्पेयर टू वाटर, देयर फॉर एंडोसमोसिस अकर्स, वाटर डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। The egg which is placed in sodium chloride solution will shrink due to osmosis of water out of the egg. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the boiling point of a solution containing 0.520 gram of glucose dissolved in 80.2 gram of water. भैया देख लो, क्वेश्चन एक ही है, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार चल रहा है, तो आपको भी पता है। अच्छा, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आप हमेशा ये चलोगे कि यार हमें गिवन डाटा क्या है, है ना, उस गिवन डाटा से ही तो हम आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 0.520 ग्राम, है ना, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, 80.2 ग्राम, एंड के बी फॉर वाटर इज 0.52। चाय की एक सिप लगा लेता हूँ ना, चश्मे पे लेयर जम जाती है,
किसी और भी चश्मिस के चश्मे पे ले रहे ऐसे जमते हो ना चाय पीते टाइम, प्लीज़ कमेंट कर देना। डेल्टा टी बीज के बी एम एंड के बी एम मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहाँ से, वॉशिंगटन से। के बी कितना दे रखा है भाई, ये तो है मस्ट दिया होगा 0.52। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.520, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 और 1000 और ये 80.2। तो सॉल्व कर लोगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा किसका, डेल्टा टीबी का। और फिर डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीबी यहां से निकाल लोगे, टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373.15 अभी क्या था। डिस्क्राइब हाउ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर भी आ जाते हैं। देखिए आपको पता है पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, सी इंटू आर इंटू टी, सी मोलैरिटी होता है मोलर कंसेंट्रेशन, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला और इंटू में आर इंटू में टी, और ये हो जाता है पाई। एम बी को उधर ले जाओ, एम बी इज डब्ल्यू बी इंटू में 1000 इंटू में आर इंटू में टी, और इधर वी एम एल, और ये इधर पाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से ये देख लो ना, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इतना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेंट, अच्छा ये हो चुका है कोई बात नहीं, इंसान गलती का पुतला है। अ 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन होता है समझते ना, 10 ग्राम, 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273 मोलर मास दे रखा है। बहुत सारा डाटा दे रखा है यार, एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है चलो बहुत शानदार। 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज इन 90 ग्राम वाटर, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। तो यहां से डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो आप लोग, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस टीएफ। टी नोट एफ कितना दे रखा है आपको, 273.15, कहां दे रखा है सर हमें तो दिख नहीं रहा, ले भाई देख ले ये रहा। ठीक है और इस टाइम सॉल्यूशन का कितना है, 269.15। तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मैथ, जय रामानुजन, 4 केल्विन आ जाएगा। घबराहट नहीं करता मैं इतनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन करते टाइम भी ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ एम, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वाशिंगटन से। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे बढ़ने से पहले, कि एक स्टेटमेंट दे रखी है बहुत सारा डाटा दे रही है, दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ा सा डाटा दे रही है, उस एक स्टेटमेंट से ना आप लोग कॉन्स्टेंट निकाल लोगे, ये बात याद रखना। तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है सर कर लेंगे, तो यहाँ से आप लोग के एफ निकाल लोगे, डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ अभी क्या ना 4, और मोलर मास कितना है, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, सुक्रोज इज चिन्नी, चिन्नी का 342 होता है, दे भी रखा है मोस्टली दिया होगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, सॉल्वेंट का मास, यार सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मास दे रखा है ना, ये रहा 90 बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 10, और के एफ कितना है, के एफ तो हमें निकालना है इंटू में 1000। तो बेटे यहाँ से आप के एफ की वैल्यू निकाल लोगे,
के एफ की वैल्यू जो भी आएगी, ये आपकी के एफ की वैल्यू आ गई, और अगले केस में इसको पुट करोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? अगले केस में क्या आएगा डेल्टा? अगले केस में यहाँ से डाटा उठाओगे, 10% ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, है ना? फिर वही बात, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या आएगा, के एफ एम, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, के एफ, के एफ तो अभी कैलकुलेट किया ना, 12.308, मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, इंटू में 1000, और मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा आपको, सोलवेंट का मास बेटा जी 10% है ना ग्लूकोज, तो 90 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आएगा, और उस डेल्टा टी एफ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि नहीं, डेल्टा टी एफ का अगेन वो फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, कौन से वाला, टी एफ नहीं होता, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, बहुत शानदार। नेक्स्ट है हमारे पास, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। 30 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 30, मोलर मास कितना होता है यूरिया का, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आगे बढ़ते हैं, मोलर मास कितना दे रखा है इसका, 60 होता है यूरिया का, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है 846। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल के लिए हम लोग क्या लिखते थे, वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए ही हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करने लग जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एक्स ए निकालना होगा, एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो कैसे आएगा यूरिया, वॉशिंग मशीन 30 बाय मोलर मास इसका 60, सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर निकाल लोगे, वाटर 846 और उसका मोलर मास कितना होता है 18, तो यहाँ से ये कितने आ जाएंगे 0.5, और ये कितना आ जाएगा 47, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाली जा सकती है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बेटा वाटर के मोल्स कितने हैं 47 बाय सॉल्यूशन 47.5 दोनों का सम, ठीक है ना? तो यहाँ से पी टी इजल टू पी नोट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है, ये रहा 23.8, और इसको 47 बाय 47.5 सिंपल आउट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 31 ग्राम, और ओके इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए आप निकाल लो इसका मोलर मास C2H6O2, कार्बन का 12 दूनी 24, और ये 6 30, और ये 16 दूनी 32, 30 और 32 62 हो जाएगा, मोलर मास कितना जाएगा यहाँ से, मैं डर गया मगर कहीं इसकी चार्जिंग ना ख़त्म हो गई हो, 62। और भाई साहब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है कितना दे रखा है 500 ग्राम, के एफ भी दे रखा है 1.86, आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट से बन रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से बन रहे हैं, तो चलो यहाँ से डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम है ना, एंड के एफ एम मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, के एफ वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 31, मोलर मास 62, इंटू में 1000 बाय 500, अच्छा के एफ हमने पुट नहीं किया, के एफ कितना दे रखा था हमें 1.80 आई गैस, 80 नहीं है 1.86, राइटिंग इतनी गंदी है समझ में खुद ही नहीं आती, ये 2 पे जाएगा, ये 2 पे, ये कैंसिल, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया आपका 1.86 आ गया,
तो इसके बाद क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इज टी नोट एफ माइनस टी एफ, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है टी एफ इधर, तो ये डेल्टा टी एफ प्लस टी नोट एफ। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा आपको, 1.86, और ये प्योर का कितना होगा, 273.15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अच्छा यहाँ पे थोड़े आपके वेंट हॉफ फैक्टर वाले कंसेप्ट आने लग जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2। यानी कि इधर आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ Cl2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 111 ग्राम पर मोल। इसके बाद Kb कितना दे रखा है, 0.52। और भाई साहब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 200 ग्राम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IKBM लगेगा इधर फॉर्मूला। IKBM क्यों सर, क्योंकि CaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में भी टूटेगा। और CaCl2 को आप आयंस में तोड़ दो तो ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। कितने आयंस बनेंगे यहाँ पर, 3 आयंस बन जाएंगे। Kb भी दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 0.52। और M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से, 3 × 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, 10। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 111 × 1000। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, 200। अच्छा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, सिर्फ डेल्टा टी बी ही निकालना है आपको, तो बस कर दो यार, 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, वो 100 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26 थ्री जा 6 × 18 तीन दो नीचे 78/111 कर लेना इसको। इसके बाद मैथ्स है, मैथ्स में अपना कुछ ऐसा ही है, हिसाब किताब सा। ओके बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल किसे कहते हैं, जब लगातार दो कार्बन पर दो OH लगे होते हैं, ऑर्गेनिक में बताया है मैंने तुम्हें। इज एडिड टू योर कार्स कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर। इफ द सम है तो आपको मास नहीं बता रहा है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज -15.0°C, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर आपने तो कहा था एक डाटा दे रखा हो, दूसरे डाटा, अब देखो इस केस में ना आपको एक डाटा फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड दे रखा है, एक डाटा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दे रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले डाटा से आप लोग कैलकुलेट करोगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सम बोल रहा है ना, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना रहेगा पहले। इधर आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, ओके बहुत शानदार, वो आपको नहीं पता, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास अभी पीछे किया था हम लोगों ने, मोलर मास कितना आएगा इसका, 62 आई गैस। और भाई साहब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना दे रखा है, 5 kg। ये इसको ना ग्राम में लिख लेना, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है तो डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ कितना है, 0, क्योंकि सेल्सियस में हो रहा है ना, माइनस, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -15°C, तो +15°C हो जाएगा। और एक चीज मैंने बताई है, अगर आपने वन शॉट लगाया है तो डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल होता है, तो ये 15 केल्विन ही आएगा। इसके बाद ठीक है यार, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ इज KFm एंड KFm, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से,
वॉशिंगटन से एम बी को डब्ल्यू बी को इधर रख लो, डब्ल्यू बी तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी के एफ इंटू में 1000। डेल्टा टी एफ कितना आया है इज 15 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 62। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 5000। के एफ कितना है भाई, के एफ दे रखा है इन्होंने 1.86 इंटू में 1000, तो ये 5 पे जाएगा, ठीक है ना। इसका डेसिमल हटा दो, ऊपर 100 लगेगा, ये 62 2 3 1 86, ये 5, ये कितना आ गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 मोलर मास, ये है 5 बेटा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 5 है, ये 3 5 15 5 5 25 ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2500 grams। अब इसका डाटा आप लोगों ने पुट कर लेना है। अच्छा इधर मत चले जाना कि सर ये 288 केल्विन है, गलत हुआ है इनसे, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ इतना ही आने वाला है हमारा, 15 केल्विन ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या लगाओगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। डेल्टा टीबी निकाल लोगे सारा डाटा पुट करके, केबी आपको दे रखा है, ये रहा और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टी नॉट बी, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 1 ग्राम, और डिजोल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है आपको 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि केएफ आपको दे रखा है कितना 5.12 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द मोलर मास, मोलर मास निकालना है आप लोगों को, कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है केएफएम, केएफएम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहाँ से, वॉशिंगटन से, है ना। इसको उधर ले जाओ एम बी को उधर ले गए, बाकी सारा डाटा इधर, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाई डेल्टा टी एफ, और इसके बाद क्या होगा, डेल्टा टी एफ के बाद डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो के एफ की वैल्यू देख लीजिए, के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 5.12, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको 1 इंटू में 1000, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.40, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, कर दीजिए ये 2 पे चला जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, ये 220 पे चला जाएगा, ये 256 25.6 आई थिंक, बाकी देख लेना मुझसे माइनर मिस्टेक हो सकती है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया था, 500 टू जाइए, ठीक है डेसिमल से डेसिमल ये 20 बचा। इस तरह से होना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5%। अब यहां से क्या करोगे आप लोग, यहां से देखिए आपको केएफ नहीं दे रखा, अब एक डाटा दे रखा है, यहां से आप पहले आप केएफ निकाल लोगे, और फिर उस केएफ देखो यहां से आपने पहले केएफ निकाला, और फिर उस केएफ को अगले क्वेश्चन में पुट करोगे। मैथमेटिकल एरर देख लेना यार, वो ना हो गया मुझसे, बस बाकी सब सही है। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है जब लगातार 3 कार्बन पे ना 3 OH लग जाते हैं,
इन वाटर वॉज प्रिपेयर बाई डिजोल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर ए सोल्यूशन ऑफ ठीक है बट मास ऑफ ग्लिसरॉल। तो आपको यहां पर क्या निकालना है डब्ल्यू बी। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करो कि यार क्या डाटा दे रखा है। मोलर मास ग्लिसरॉल का निकाला जा सकता है, कार्बन तीन है, 36 प्लस 8 प्लस 48 जोड़ दो 8 8 16 6 52 52 नहीं 16 और 6 22 2 2 4 6 और 3 9 92 आई थिंक ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सोलेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ सोलेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम। द सोल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100.42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा टी बी तो आप निकाल ही सकते हो ना, डेल्टा टी बी सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करके तो कितना आएगा 0.42 केल्विन ठीक है ना। बट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व्ड, अच्छा के बी भी दे रखा है आपको, के बी कितना दे रखा है 0.512 केल्विन के जी पर मोल। ओके हमसे क्या गलती हुई होगी पिछले में, ये ना 5.12 ले रखा ना, शायद 0.512 हो शायद ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा आंसर सही था के बी एम। के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से ठीक है ना। डब्ल्यू बी को इस साइड रख लो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम बी और ये डब्ल्यू ए जी अपॉन में के बी इंटू में 1000। डेल्टा टी बी कितना दे रखा है आपको 0.42, मोलर मास कितना है 92, मास ऑफ सोलेंट कितना है 500 बाय के बी 0.512 इंटू में 1000। यहाँ से मास ऑफ सोलेंट आ जाएगा जो भी आएगा, मैथमेटिकल है ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन खत्म काहे नहीं होते हैं भाई। 15 ग्राम ऑफ अननोन मोलिकुलर मास, यहाँ पर आपको मोलिकुलर मास नहीं पता तो फॉर पुट करना है भाई, पुट करने में क्या ही दिक्कत है। बाकी सब मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, पुट करना है बस। 15 ग्राम ऑफ अननोन है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 450 ग्राम ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग मोलर मास हमें नहीं पता, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 0.34 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ को फॉर्मूला करता है टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ जीरो और टी एफ कितना दे रखा है -0.34 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले बताया डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में वो इक्वल होता है, वन शॉट देखा होगा तो पता होगा। उसके बाद फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला कहता है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से, वॉशिंग मशीन कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा, एम बी को उधर ले जाओ, एम बी इज के एफ इंटू में वॉशिंग इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ और ये डब्ल्यू ए जी, पुट कर दो वैल्यूज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर I का रोल आएगा, I 2 हो जाएगा, टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है यानी कि टी बी निकालना है, बट पहले तो हमें क्या निकालना रहेगा डेल्टा टी बी है ना, डेल्टा टी बी निकाल लेंगे। तो डाटा क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है कितना दे रखा है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 250 ग्राम, के बी दे रखा है 0.512 है ना, मोलर मास दे रखा है NaCl का, मोलर मास दे रखा है भाई 58.44 क्लियर है। तो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कर दो इस क्वेश्चन को, सिंपली किया जा सकता है आई थिंक। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज आई के बी एम, आई के बी एम
पता ना आई क्यू लगा रहे हो, क्योंकि एन ए सी एल है। तो टू के बी कितना दे रखा है आपको, 0.512। और मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। इसके बाद ये पुट करना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ जीन फ्रेगमेंट इन 35 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335 टोर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग द जीन फ्रेगमेंट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमाइन द मोलर मास। बहुत ही छोटा डाटा दे रखा है भाई। तो देखिए सबसे पहले तो मोलर मास आपको 8.9 मिलीग्राम दे रखा है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 8.95 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम आ जाएगा। आर गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक पर कैलविन पर मोल है। वॉल्यूम उन्होंने आपको कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 35, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो या मिलीलीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर उन्होंने दिया है सेल्सियस में, टेम्परेचर कैलविन में लिखते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने टोर में दिया है, और 1 एटीएम इज 760 टोर होता है, तो उसको एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट कर लोगे। तो आपको पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू में आर इंटू में टी, एम बी को तो ले जाओगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच मस्ट बी एडिड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड बाय 3 केल्विन। तो करो भाई कैसे करेंगे, आपको क्या निकालना है, अमाउंट मास निकालना है। मास हमें नहीं पता, बट बाकी सब तो पता है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आई लगेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है और फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, आई के एफ एम आई आई कितना आ जाएगा, 2, के एफ कितना है, 3 केल्विन, देख लो ये रहा। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। और ये 2 इंटू 3, वॉशिंग तो हमें नहीं पता, मोलर मास तो पता है, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, वैसे तो ये होता है 58.5 इंटू में 1000, एंड ये भी 1000 ही है, पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। अगला है सेम यही क्वेश्चन है, मास निकालना है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl इज नियरली डबल देन 1 मोलर शुगर, क्योंकि इधर भाई पार्टिकल्स डबल हो गए ना, KCl में अगर आप देखो तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो पार्टिकल हो गए हैं। क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है IKBM, ठीक है ना। तो द सॉल्वेंट इज सेम बट KCl इज आयनिक ड्यू टू विच डिसोशिएट कम्प्लीटली, हैंस द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर इज ट्वाइस इन 1 मोलर KCl देन 1 मोलर शुगर। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, ये वन शॉट ना बहुत लेंथी सा हो गया, तो मैंने वेंटो फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बट इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो मैं कल वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है ना। कोई 90 मिनट्स की होगी है, बहुत बोरिंग लगेगा एंड तक आते हो, तो वेंटो फैक्टर के लिए अलग से, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने खुद से अभी से इंक्लूड किए हैं, बट अलग से एक वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। बाकी इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। मैंने बोला था नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, ठीक है ना। नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास आप लोग लिख सकते हो। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अल्फा निकालना होता है, अल्फा फॉर डिसोसिएशन, वो होता है आई माइनस वन टू द एन माइनस वन, और अल्फा फॉर एसोसिएशन भी निकालना होता है आपको, वो होता है आई माइनस वन बाय वन बाय एन माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएंगे। अगला क्वेश्चन होता है डिफाइन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, द मोलर मास विच इज इधर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अच्छा आई की वैल्यू आ जाती है 1, कब आ जाती है, वेन नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 कब आ जाएगी, जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, जब पार्टिकल एसोसिएट होने लगे, आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी,
फॉर एसोसिएशन, और एसोसिएशन पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। और आई की वैल्यू मोर देन वन आएगी अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा टूट जाए, डिसोसिएशन, ठीक है। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स है बेटा, 5, 6, 7 जितने भी हैं, मैं इनको कोशिश करूँगा कि कल बहुत जल्दी ये प्रोवाइड कर दूँ, और रीज़न बिहाइंड दिस कि बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द मतलब कल ही मिलेंगे। कल हम वेंट हॉफ फैक्टर के तो क्वेश्चन करेंगे ही, इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे, और स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।